हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। साथ ही साथ कुछ घरेलू टिप्स जो आपके लिए बहुत ही काम आ सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर के साथ साथ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो देखना शुरू करते हैं। सर्दी हो या बरसात, सबसे ज्यादा समस्या आती है इन गीलों कपड़ों को सुखाने में, ज्यादातर बच्चों के गीलों कपड़ों को सुखाने में। बरसात के दिनों में तो कपड़े हल्के ही रहते हैं, फिर भी ये सूख जाते हैं, लेकिन सर्दी के दिन में कपड़े मोटे रहते हैं, सूखते ही नहीं है जल्दी, और बाहर धूप भी नहीं रहता है कि हम कपड़े आसानी से सुखाएं, हल्का हल्का उसमें नमी रह ही जाता है। तो आज मैं आपको ऐसी एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कपड़े बहुत कम टाइम में जल्दी सूख जाएंगे, वो भी बिना धूप के और बिना मशीन के। तो हमें क्या करना है, एक कोई ऐसा पतीला लेना है या भगोना लेना है। पतीला बड़ा साइज का होना चाहिए। सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे, फिर फ्लेम को एकदम धीरे कर लेंगे। उसके बाद हम पतीला को उल्टा करके रख देंगे। थोड़ी ही देर में ये बर्तन बिल्कुल गर्म होने लगता है। जैसे ही बर्तन गर्म हो जाए गैस को बंद करके उसके बाद जो भी गीले कपड़े हो उस पर हम रख देंगे, खासकर बच्चों के गीले कपड़े, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना बहुत जल्दी कपड़े को गीला करते हैं, और जब हम इसके कपड़े को धोते हैं वो जल्दी सूखते ही नहीं है। बड़ों का तो हम फिर भी काम चला लेते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन छोटे बच्चों के कपड़े सुखाने तो हमें पड़ते ही हैं क्योंकि वो बार बार गीले करते हैं कपड़े को। इस तरीके से आप बच्चों के हल्के फुल्के गीले कपड़े को सुखा सकते हैं। बस ध्यान इस बात का देना है कि जैसे ही बर्तन गर्म हो जाए गैस को बंद कर देना है, मतलब बीच बीच में गैस को आपको बंद करते रहना है। इस तरीके से आप अपने बच्चे के कपड़े को मिनटों में सुखा सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अगला टिप है इन सब्जी को लेकर। जब भी हम सब्जी काटते हैं आपने देखा होगा हमारे हाथ कट जाते हैं, या सब्जी काटते काटते हमारे हाथ में चाकू का निशान बन जाता है, क्योंकि सब्जी तो हमें हर रोज ही काटना पड़ता है, सुबह का खाना में हो या रात का खाना हो। लेकिन एक तरीका है जिससे हमारा काम भी हो जाएगा और हमारा हाथ भी नहीं कटेगा, वो है एल्युमिनियम फॉइल। हमें एल्युमिनियम फॉइल को लेना है इंच छोटे छोटे टुकड़ों में और अपने फिंगर्स में इस तरीके से रैप कर लेना है, हमें जिस भी फिंगर्स में चाकू लगता है। उसके बाद हम सब्जी को काटेंगे तो हमारा हाथ या फिंगर्स में बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगा, और आप चाहें तो इस एल्युमिनियम फॉइल्स के कैप को रख भी सकते हैं। जब भी आपको सब्जी काटना हो इसे पहनकर सब्जी काट सकते हैं, जिससे हमारा हाथ बिल्कुल भी सेफ रहेगा। चलिए दूसरा टिप भी देख लेते हैं। सर्दी के दिनों में हमें बहुत सारे साग देखने को मिलते हैं। कुछ साग को तो हम चाकू के मदद से फटाफट काट कर अपना काम कर लेते हैं, लेकिन जब इन तरीके के साग को तोड़ने जब हम जाते हैं तो आपने देखा होगा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन मैं एक तरीका बताती हूँ जिससे टाइम बिल्कुल भी कम लगेगा। हमको करना क्या है, एक कंघी लेना है। कंघी के मदद से हम इन साग को आसानी से तोड़ सकते हैं। जैसे हम अपने बालों पर कंघी करते हैं ठीक उसी तरीके से हम साग को बहुत ही आसानी से तोड़ लेंगे, जिसे हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि इन सभी टिप्स में से आपको कौन सा पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी को जरूर बजाइएगा आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।